देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया एमएसआई ने मंगलवार को कहा कि उसने वाहन ऋणों के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ समझौता किया है। एमएसआई ने एक बयान में कहा कि समझौते के अनुसार ग्राहक कार ऋण के लिए महिंद्रा फाइनेंस के व्यापक विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं। बयान के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत आवाजाही बाधित होने के मद्देनजर लोगों को आसानी से धन उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। एमएसआई के कार्यकारी निदेशक विपणन और बिक्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि महिंद्रा फाइनेंस पूरे भारत में व्यापक पहुंच वाली गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC है और उसे ग्रामीण और बिना आय प्रमाण वाले ग्राहकों सहित सभी तरह के ग्राहकों को कर्ज देने में महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि मारुति की खुदरा बिक्री का एक तिहाई से अधिक हिस्सा ग्रामीण भारत से आता है। HDFC बैंक के साथ भी समझौता। इससे पहले मारुति सुजुकी इंडिया ने नई कार खरीदने वालों के लिए आसान शर्तों पर ऋण योजनाओं की पेशकश करने के लिए HDFC बैंक लिमिटेड के साथ समझौता किया था। तब मारुति ने एक बयान में बताया था कि योजनाओं में लोचदार मासिक किस्त EMI का विकल्प शामिल है, जिसके तहत ग्राहक हर साल 3 महीने कम EMI का लाभ उठा सकते हैं और ग्राहकों के हाथ में आने तक गाड़ी की कुल कीमत का 100% तक कर्ज ले सकते हैं। पहले 6 महीने कर्ज की किस्त प्रति लाख प्रति माह 899 रुपये से शुरू हो रही है। ICICI बैंक के साथ भी किया गठजोड़। साथ ही कंपनी ने ग्राहकों को बेहतर लोन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ICICI बैंक के साथ गठजोड़ किया है। इसके तहत कंपनी कार खरीदने वालों को EMI के मामले में कुछ राहत देगी। मारुति सुजुकी अपने ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक फाइनेंसिंग स्कीम लाई है। इनमें फ्लेक्सी EMI स्कीम, बलून EMI स्कीम और सटेप अप EMI स्कीम शामिल है। EMI योजनाओं के अलावा ICICI बैंक मारुति सुजुकी की कार पर 100% ऑन रोड फाइनेंस की सुविधा भी दे रहा है। ये स्कीम मारुति सुजुकी की चुनिंदा कारों पर और मई 2020 से उपलब्ध है।